नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, जहां पर हम देश और दुनिया की सारी बेहतरीन घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं में पूछने की संभावना भी ज्यादा बनाता है। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में और ज्यादा परिष्करण जोरदार तरीके से तैयारी को शुरू करने के लिए ये 10 मिनट शुरू किया गया है। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज जो मैं 10 मिनट शो में आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो पढ़ाने वाली हूँ भारत के प्रमुख ऑपरेशन। अगले 10 मिनटों का आप चमत्कार देखेंगे कि 10 मिनटों में आपको मैं भारत में होने वाले सारे मिशन ऑपरेशन जो किसी ना किसी राहत उद्देश्य के साथ शुरू किए गए हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी, याद करवाऊंगी और आप 10 मिनटों में इन सारी चीजों को याद कर लोगे। आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चलिए भैया, अभियान का नाम और ये अभियान क्यों चलाया गया, बस इतनी ही सी जिंदगी है, यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक अभियान बताऊंगी और संबंधित क्यों कारण है, किस उद्देश्य के साथ ये अभियान चलाया गया, इसके बारे में जानकारी दूंगी। पहला अभियान है आयरन स्वॉर्ड्स। आयरन स्वॉर्ड्स क्यों चलाया गया था? हमास ने जब इसराइल पर हमला किया तो इसराइल ने अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया दी थी उस प्रतिक्रिया का नाम था आयरन स्वॉर्ड्स। हमास ने अलग सा चलाया, किसके लिए? हमास ने इसराइल पर हमला किया, इसराइल ने प्रतिक्रिया रूप में जो हमला किया था उस ऑपरेशन का नाम था आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ितों की सहायता करने के लिए। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया के सामने, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसके भूकंप से वहां के लोगों को रक्षा की। ऑपरेशन सजग चलाया गया, हमें सजगता बरतनी होगी, समुद्री क्षेत्र जो है हमारा तटीय क्षेत्र है वहां पे सजगता बरतनी होगी, तो ऑपरेशन सजगता चलाया गया तटीय समुदायों की जागरूकता के लिए। ऑपरेशन पोलो आप सभी को पता है, 1948 में जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो हैदराबाद की निजाम ने बोल दिया ना ना ना, मैं तो अपना अलग से देश बनाऊंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से या उनके मार्गदर्शन या परामर्श से यहाँ पर हैदराबाद के निजामों के खिलाफ ऑपरेशन पोलो चलाया गया और लाठी चार्ज या फिर पुलिस चार्ज के द्वारा हैदराबाद को भारत में समाया गया, ये ऑपरेशन पोलो था। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन अमानत। अगर आपकी कोई सामान रेलवे में छूट जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है कि मिलेगा कैसे, तो रेलवे की द्वारा ऑपरेशन भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के सोए खोए हुए सामानों की ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन अमानत चालू किया गया है। ऑपरेशन गंगा, भाई आपको पता है रूस और यूक्रेन का विवाद, तो यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे थे, भारतीय छात्र जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए थे, भारत सरकार ने इस विवाद से, इस हमले से भारतीयों को बचाने के लिए यूक्रेन से कई भारतीयों को लेके आए और उस ऑपरेशन का नाम दिया था गंगा। ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ट, अवैध अनाधिकृत दवाइयों के खिलाफ दिया गया है, यूएसए और भारत के बीच में यह ऑपरेशन चलाया गया है कि जितनी भी दवाइयां जिस पर पूरी तरह से बैन है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ट। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में जितने भी आतंकवादी फंसे हुए हैं या फिर छुपे हुए हैं उनको पता लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 लगाया गया है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, 10 मिनट शो आपको उपयोगी लग रहा होगा तो जरूर मुझे बता देना और वीडियो को लाइक करके बताओगे तो और अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन कन्वेंशन गौहत्या के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्वेंशन चलाया गया। ऑपरेशन गरुड़, नशीली दवाइयों की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी हेतु सीबीआई के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघचक्र बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ चलाया गया, जितनी भी बाल यौन शोषण सामग्रियां हैं चाहे वो सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो उन सब के लिए ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन दुधी चलाया गया था असम राइफल्स के द्वारा 1991 के बाद, जिसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया था। 72 से ज्यादा आतंकवादी ऑपरेशन दुधी के कारण जम्मू कश्मीर में मार गिराए गए थे। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सियाचिन ग्लेशियर में दिव्यांग लोग भी ट्रैकिंग कर सके इसके लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, यानी साहसिक कार्यों में दिव्यांगजनों को उत्साह डालने के लिए। ऑपरेशन आहट, महिला एवं बच्चों की जो तस्करी होती है, बेचना होता है, उसको बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने
कोहरे के कारण जो घुसपैठ हो रहा है, उस घुसपैठ को रोकने के लिए सर्द हवा चलाई गई। ऑपरेशन परिवर्तन, भांग की खेती को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन, पीना मत रंग पंचमी पर भांग। ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर प्याज आलू की अतिरिक्त जल्दी नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु, ताकि इनके भंडारण की सुरक्षा की जा सके। ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु चलाया गया था। अब तो मालदीव कोई जा ही नहीं रहा है, तो जरूर। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति की हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया था। ये कोविड-19 में हुआ था, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन थी उनकी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। ऑपरेशन नमस्ते, संक्रमण को खुद से दूर करने के लिए नमस्ते करो, और पूरे भारत के द्वारा विश्व में भी ये बात बोली गई थी, संक्रमण से दूर रखना हो तो नमस्ते कर लो। वंदे भारत, कोविड-19 के द्वारा विदेशों में जो भारतीय नागरिक फंसे थे, वंदे भारत के तहत उसको भारत वापस लेके आए। मिशन सागर, कोविड-19 के द्वारा मालदीव, मेडागास्कर, शेसेल्स में खाद्य आपूर्ति को पहुंच करने के लिए मिशन सागर चलाया गया। ऑपरेशन वनीला, वनीला आइसक्रीम नहीं है, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता के लिए चलाया गया। संकल्प चलाया गया था भारतीय जहाजों की सुनिश्चित सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन बंदर मंकी किसके लिए? बालाकोट स्ट्राइक के लिए, बालाकोट जितने आतंकी थी उसको दूर करने के लिए। ऑपरेशन प्रवाह, एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए प्रवाह। और सुदर्शन, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो सीमा हो रही है, जो घुसपैठ हो रही है, उसको दूर करने के लिए। थकना नहीं, बहुत सारी चीजें पढ़नी है तो फोकस करते रहना। ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था रेलवे परिसरों में पानी की बोतलों की बिक्री की, जो अन्य अन्य कंपनियां बेच रही ना, उसको रोक के रेल नीर बांटने के लिए। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भूकंप सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों और खासकर इंडोनेशिया में जो जितना प्रभाव हुआ था उसमें मदद पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन कोजीत, कोजीत एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता के लिए था। ऑपरेशन थंडर, रेलवे में आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए, ब्लैक टिकटिंग ना कर ले कोई। ऑपरेशन 25 पुलवामा में मास्टरमाइंड गाजिद को पकड़ने के लिए, गाजी राशिद को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए। ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए। ब्लू स्टार, अमृतसर के सिख मंदिर में अलगाववादियों को हटाने के लिए। और नार्कोस, रेलवे के माध्यम से जो नार्कोटिक्स पदार्थ या नशीले पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनको रोकने के लिए। तो इस प्रकार मैंने 10 मिनटों में आपको सभी प्रमुख ऑपरेशन पढ़ा दिए हैं। अगर आपको ये याद करने हो तो एक बार फिर से देखना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि अगला टॉपिक 10 मिनट का आप क्या चाहते हो। मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगी, आप मेरी इच्छा पूरी करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं मिलती हूँ आपको करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 8 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।